सम्राट वनराज ने हमारे अश्व के अच्छे देखरेख किए और इसका प्रमाण यह है कि तुमसे कितना स्नेह करने लगा है, वो भी इतने शीघ्र। माँ कहती है अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ, कुछ भी असंभव नहीं। ये लो एक पान। मगध के हित के लिए थोड़ा कष्ट भी नहीं सह सकता? चलिए सम्राट, चार पांच चस्के लगाइए, अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं लगाता हूँ। चुप, मूर्ख हो गया तो? पशु के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? इसे भी वेदना होती है, कभी देखा है मुझे इस पर ऐसा अत्याचार करते हुए? क्षमा करिए सम्राट, मैंने आपको तो नहीं देखा किंतु राजकुमार सुशीम को देखा है, उनको तो आप कभी नहीं रोके। सुशीम ने यदि मेरे सामने ऐसा किया होता, तुम्हें तो केवल रोका है, उसे मैं स्वयं उसी समय दंडित करता इसी कोड़े से, ताकि उसे समझ जाता कि पीड़ा क्या होती है। तुम्हें एक राजकुमार के साथ भी आप? नियम सबके लिए बराबर है और उनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य। एक राजकुमार होने के नाते सुशीम के लिए और भी महत्वपूर्ण है कि वो प्रजा के सम्मुख उचित आचरण का उदाहरण बने, और इस नियमों का उल्लंघन करने वाला चाहे कोई भी हो, मेरी दृष्टि में वो केवल एक अपराधी है। क्षमा करें सम्राट, तुमसे ऐसे व्यवहार की मैं अपेक्षा नहीं करता। आचार्य चाणक्य सम्राट को समझे ही नहीं। सम्राट पक्षपात नहीं कर सकते। यदि मैं दानव का सत्य उन्हें बता देता हूं तो वो सुशीम को अवश्य दंड देंगे। आपके दर्शन पाने के लिए। किसी ने देख लिया तो? एक वीर पुत्र की माँ की बातों में वह शोभा नहीं देता। माँ, मुझे पता चल गया है कि दानव कौन है, और आज मैं उस दुष्ट दानव को सम्राट से दंड दिलवाऊंगा। इसीलिए मैं आपके पास आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ। अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। आपके प्रिय लड्डू तो खाते जाओ। ये लड्डू आपने बनाए हैं? तभी तो बोलूं, इतनी सुगंध कहां से आ रही थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो जो सम्राट का उपचार कर रही हैं, उन्होंने जब मेरा उपचार किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं मीठे का सेवन ना करूं, और जहाँ इतने स्वादिष्ट लड्डू हो वहाँ मीठे का सेवन कैसे कोई ना करे, इसीलिए उनसे अनुमति लेने आया था। यदि ये सत्य है तो चोरों की भांति छुप छुप के क्यों जा रहे थे? हम जानते हैं कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चाणक्य तुम्हें यहाँ लाए हैं, और हमने देखा है कि तुम यहाँ से बाहर निकलने के लिए कितने व्याकुल हो। यदि तुम इतना बता सको कि चाणक्य तुम्हें किस प्रयोजन से लाए हैं, या क्या कहा उन्होंने तुमसे, इन प्रश्नों के उत्तर में तुम्हें 50 पंती दे सकती हूँ मैं।
जिन्हें चुकाकर तुम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो। 50 पण? तत्ते? इसमें 50 से भी अधिक पण है, रख लो इसे। सम्राट वनराज ने हमारे अश्व की अच्छी देखरेख की है। ये लो रिमन। मैंने तुम्हें कुछ पूछा, उसका उत्तर दो। आप जो ये 50 पण दे रही हैं और ये एक पण जो मैंने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, विचित्र है किंतु सत्य है। ये एक पण का मूल्य आपके इन 50 पण से कई अधिक है। और जहां तक आपके प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनका उत्तर तो मेरे लिए प्रश्न बना हुआ है। और केवल आचार्य चाणक्य को ही ज्ञात है कि वो क्या और क्यों कर रहे हैं। और क्या आचार्य चाणक्य अपने आप में किसी प्रश्न से कम है? इसीलिए यदि आपको उत्तर ज्ञात हो तो मुझे बताकर मुझ पर उपकार करिएगा। आज्ञा दीजिए। राजकुमार आप कहाँ थे? मैं वन में था मामा। महामृत्युंजय जाप मध्य में छोड़ने का पश्चाताप करने हेतु, परंतु आपने मुझे किस लिए बुला? मैं तुमसे ये अंतिम बार पूछ रहा हूं, क्या तुम अब भी अपनी बात पर अड़े हो? तुम्हें ज्ञात है ना, यदि तुम्हारी बात सही सिद्ध नहीं हुई तो परिणाम मैं सही हूं। ये क्या बात चल रही है यहां? राजकुमार, इस बालक ने आप पर आरोप लगाया है। आरोप? मुझ पर? कैसा आरोप महामात्य? तुम दानव हो। क्या? ये क्या कह रहा है, पागल हो गया है क्या? महामात्य, आप इसकी बात सुनकर भी मौन है? ये कुछ भी कह देगा और आप इसकी बात मान लेंगे? प्रमाण है मेरे पास। क्या प्रमाण? वो चिन्ह जो उस दाना की छाती पर था, वही चिन्ह तुम्हारी छाती पर है। जब तुमने मुझ पर आक्रमण किया था तब मैंने वो चिन्ह देखा था। आक्रमण पर मैंने तुम पे? ये कैसे दिन आ गए मगध के, एक साधारण बालक राजकुमार पर झूठा आरोप लगाता है और शांत हो जाइए राजकुमार, मैं भी जानता हूं ये जो कुछ कह रहा है वो सत्य नहीं है, किंतु यदि प्रमाण के तौर पर ये वो चिन्ह देखना चाहता है तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी छाती उसे दिखा दीजिए। महामात्य, आप जानते हैं ना
क्या मगध के होने वाले सम्राट का अपमान होने दे रहे? नहीं नहीं राजू, मैं कदापि आपका अपमान नहीं होने दूंगा, किंतु यहां बात न्याय की है और मगध के न्याय के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। आपसे निवेदन है कि ये नहीं, उस ओर। क्षमा कीजिए राजकुमार, पता नहीं कैसे मैंने भी इस बालक की बात पर विश्वास कर लिया। राजकुमार सुनिए तो, देख लिया, यदि दोबारा कभी ऐसा किया परिणाम ठीक नहीं होगा। अशोक तो बहुत ही नेक और सुलझा हुआ बालक है राजमाता, अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी ऐसा ज्ञात नहीं हुआ जिससे किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो। वो तो उल्टा सबकी सहायता करता है और अपना कार्य भी संपूर्ण दायित्व के साथ पूरा करता है। मैंने तुम्हें क्यों रखा था? अशोक के बारे में पता करने के लिए। और क्या कर रहे हो तुम? अशोक के बारे में जो कुछ भी पता चल रहा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मूर्ख, उसका गुणगान कर रहे हो मेरे सामने। किंतु संदेह की बात कुछ है ही नहीं उसकी बातों में, तो मैं क्या करूँ? मेरी ही भूल थी, जो तुम्हारे जैसे बुद्धिहीन को ये कार्य सौंपा। तुम जैसे लोग दास बनने के लिए ही जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, उनकी मृत्यु से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। आती है मुझे तुम जैसे पर, जो सब सत्य है तो जानते हैं पर कुछ साबित नहीं कर सकते। अरे तुम हो कौन मेरे सामने? चिन्ह से प्रमाणित करना चाहते थे ना मुझे, चिन्ह तो मिटा दिया। अब क्या करूं? तुमने वो चिन्ह? हाँ, मिटा दिए, क्योंकि यदि ये चिन्ह मेरे पिता देख लेते तो मुझे निसंदेह दंड मिलता, संभवतः मृत्युदंड। परंतु अब कोई भय नहीं, तुमने अवसर गवा दिया है, हार गए हो तुम। मुझे लज्जित करना चाहते थे, स्वयं लज्जित हो गए।